हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज के एग्जांपल कैसे याद कर सकते हैं और फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज। मैंने क्या लिखा है? फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज। प्लेटिहेलमिंथीज जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्डों से? दो वर्ड से। पहला है प्लेटी, दूसरा है हेलमिंथ। ओके, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म। मतलब प्लेटिहेलमिंथीज का जो असली मतलब है वो है फ्लैट वार्म, मतलब चपटे क्रीमी। वार्म को हम बोलते हैं क्रीमी और फ्लैट को बोलते हैं चपटे, अर्थात फ्लैट वार्म मतलब चपटे क्रीमी। प्लेटिहेलमिंथीज में ऐसे ऑर्गेनेल में रखे गए हैं जो फ्लैट हो, अर्थात डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरीके से फ्लैट हो, डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैटेड हो। अब डॉर्सल का मतलब क्या होता है और वेंट्रल का क्या मतलब होता है? जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है ना, ये मेरा हैंड है। एक तरफ तो आपको व्हाइट व्हाइट दिखी, थोड़ा सा सफेद दिख रहा है और इधर ब्राउन हल्का भूरा दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा हैंड है, इसमें दो सरफेस हैं। कितने? दो सरफेस हैं। जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाला सरफेस है, उसको हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं और जो लोअर वाला है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही प्लेटिहेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक सतह उनकी डॉर्सल होती है, दूसरी वेंट्रल होती है और एकदम फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए हम इनको प्लेटिहेलमिंथीज अर्थात फ्लैट वार्म भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। पहला एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। आपको प्लेनेरिया का डायग्राम भी दिख रहा होगा, ठीक है। प्लेनेरिया का दूसरा जो नाम है वो है डुगेसिया। क्या नाम है? डुगेसिया। सेकंड एग्जाम्पल है फैसियोला। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? फैसियोला। आप फैसियोला का डायग्राम देख सकते हैं। फैसियोला को हम बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है। कौन सा नेम है? साइंटिफिक। फैसियोला का साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपेटिका, या फैसियोला कहें या फैसियोला हिपेटिका कहें। और इसका एक और फेमस नाम है सीप लिवर फ्लूक। क्या नाम है? सीप लिवर फ्लूक। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट है सिस्टोसोमा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सिस्टोसोमा। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है ह्यूमन ब्लड फ्लू। क्या नाम है? ह्यूमन ब्लड फ्लू। मैं एक बात को दो तीन बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको याद हो जाए, और आप इस एग्जाम्पल को अगर 10-12 बार खुद से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल का डायग्राम आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। क्या एग्जाम्पल है? टीनिया सोलियम। इसको हम बोलते हैं पोर्क टेप वार्म। क्या बोलते हैं? पोर्क टेप वार्म। जैसे आपका सेलो टेप नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है, अगर हम सेलो टेप को ओपन करें तो एकदम फ्लैट होता है, वैसे ही हमारे टीनिया सोलियम भी होते हैं, एकदम चपटे होते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारा टेप होता है जो चिपकाने के लिए काम आता है, उस वो जैसे अगर हम एक ओपन करें तो एकदम फ्लैट रहता है, डॉर्सल और वेंट्रल। एक सतह होता है जहां से ग्लू लगा होता है, जहां से चिपक जाता है, और दूसरा जहां से नहीं चिपकता है। ओके, तो ऐसे ही प्लेटिहेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल है इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस। इसको हम डॉग टेप वार्म भी कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो एग्जाम्पल इसको लर्न करने का ट्रिक है, जो एग्जाम्पल है इसको लर्न करने की ट्रिक जो है वो क्या है, देखिए ट्रिक है पी एस स्क्वायर ईट। ओके, या ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए सेकंड ईट पी एस स्क्वायर। इसे क्या हो जाएगा? इसे हमारा इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस हो जाएगा, जिसको हम डॉग टेप वार्म भी कहते हैं। टी से क्या हो जाएगा? टीनिया सोलियम, जिसे हम पोर्क टेप वार्म भी कहते हैं। पी से क्या होगा? प्लेनेरिया, जिसको हम डुगोसिया भी कहते हैं। ओके, यस से क्या हो जाएगा?
सीप लिवर फ्लूक, ओके सीप लिवर फ्लूक, और सेकंड यस से क्या हो जाएगा सिस्टोसोमा, जिसको हम ह्यूमन ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो दोस्तों ये है प्लेटी हेलमिंथीज का एग्जांपल और प्लेटी हेलमिंथीज जो टर्म है उसका मतलब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।